Hello everyone, myself Dr. Devesh Mishra, and today I am here with a message of bouncing back to rise after failures. We suffer through horrible failures after best try, and that may crush down our future expectation and enthusiasm also. So how to overcome those depressive moments? How? So try to understand, there are no special recipe to it. It's all about practice and perseverance with positive attitude. And it's very difficult to maintain the same emotional temperament in all phases of life, especially when we are facing nightmares of the failures. Just try to hold yourself, talk to yourself, and try to build a strong, stubborn mindset against those gloomy feelings. Scold yourself for your weaknesses and mistakes. Cry aloud when you are alone, where nobody can see your agony or failures, and swear with your tears that to rise once more to bring out your better version. You have to lift your self-esteem again and again after every depressive episodes. And remember, sore and depressive journey of dull life may be extended too long to precipitate nervous breakdown, but a strong and intense effort will surely defy these sufferings. And one day you will cherish this secret of success. So dear friends, always remember, आपकी लाइफ में फेलियर्स एक पार्ट है, वो पार्ट जो आपको पुश करेगा सक्सेस की तरफ, लेकिन उसकी रेसिपी क्या है? आपका परसिवरेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपकी प्रैक्टिस है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करो, उसमें आपका परसिवरेंस होना चाहिए और आपको उसमें पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए। और जब भी आप अपने इमोशनल टर्मोइल, यानी जब भी आप भावनात्मक रूप से आहत हो चुके हो, तो आप गिव अप मत करो, उससे लड़ते रहो, उससे लड़ते रहो। ये जो लड़ने की आदत है, दैट विल बी गिविंग यू स्ट्रेंथ, एंड दैट स्ट्रेंथ विल बी काउंटेड एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। आपकी सीढ़ी होगी वो आपके सक्सेस के लिए। आप रो लो, रोना अलाउड है, चिल्लाओ, अपने आप को खूब कोसो, लेकिन गिव अप मत करो। और जितने भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकलते हैं उनको याद रखो, और उस समय आप एक शपथ लो, एक प्रण लो कि अपनी लाइफ को आप इससे भी बेटर बनाओगे और आप इससे भी ऊंचे जाकर के खड़े हो जाओगे। आपको हर बार अपने अंदर के जो टैलेंट है उसको आपको जगाना होगा। चाहे आप कितना भी फेलियर्स देख रहे हो, कितना भी आपको डिप्रेशन हो, एवरी टाइम यू हैव टू कम अप। आपको हर बार अपने आप को पुश करना होगा, कितना भी आपको डिप्रेशन हो रहा हो, लेकिन आपको इसी तरह से अपने आप को एक्सटेंड करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, अपने आप को फैलाना होगा, जिससे कि आप जो भी आपके अंदर में जो हीनता छा रही है उसको आप आगे जाओ उससे। और देखना एक दिन क्या होगा, आप डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों से ऊपर चले जाओगे। और यही समय होता है जिसको सारी दुनिया सक्सेस के रूप में देखती है, और इसका कोई सीक्रेट मंत्रा नहीं है। सो my friends, my best wishes to all of you. Never give up in your life.